नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आकर्ण धनुरासन को कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हैं। दोस्तों आकर्ण धनुरासन का अर्थ होता है खींचे हुए धनुष और बाण के आकार का आसन। दोस्तों इसे करने से जिसको नस में नस चढ़ने की बीमारी होती है उसे दूर करने के लिए आकर्ण धनुरासन बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा स्टूडेंट और जो अधिक लेखन कार्य करने वाले लोग होते हैं, सिटिंग जॉब वालों के लिए, जो कंप्यूटर के आगे दिन भर बैठे रहते हैं, उन लोगों के लिए यह आकर्ण धनुरासन बहुत ही उपयोगी आसन होता है। हमारे स्पाइन, हमारे कंधों, हमारी पीठ की मजबूती के लिए इस आकर्ण धनुरासन को आप रेगुलर 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। आइए देखते हैं कि आकर्ण धनुरासन को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। आकर्ण धनुरासन को करने के लिए सबसे पहले हम दंडासन में सीधे बैठ जाएंगे। कमर गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी और दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेंगे। दोस्तों इसके बाद आपने दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेंगे। इसके बाद आपने अपने राइट वाले पैर को उठाकर राइट वाले कान के पास ऐसे ले जाना है। अगर आप इसे पहली बार कर रहे हैं तो अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने कान के पास इसे लगा लीजिए। ऐसे 10 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। इससे हमारे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग खुलती है, हमारी कमर, हमारी पीठ के लचीलेपन को बढ़ाने के साथ साथ हमारे हाथ पैरों का लचीलापन भी बढ़ता है। 10 सेकंड इसी स्थिति में रहिए, फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। अब इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से करेंगे। अब इसके बाद आप अपने लेफ्ट वाले पैर को उठाकर लेफ्ट वाले कान के पास ऐसे ले जाएंगे। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। स्टार्टिंग में 30 सेकंड रहिए, फिर आप 2 मिनट आरामदायक स्थिति में रह सकते हैं। विद्यार्थियों और अधिक लेखन कार्य करने वाले लोगों के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग दिन भर कंप्यूटर में बैठे रहते हैं उन शरीर के लिए यह बहुत ही अधिक उपयोगी आसन होता है। फिर धीरे धीरे नीचे। आकर्ण धनुरासन को एक बार और कर लें। इसे करने के लिए आप अपने दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेना है आपने, और इसके बाद अपने राइट वाले पैर को ऐसे उठाकर अपने राइट वाले कान के पास ऐसे ले जाना है। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए, फिर धीरे धीरे नीचे। दोस्तों इस आसन को आप रेगुलर 5 से 7 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारे हाथ पैरों के जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है और शरीर से स्टिफनेस दूर होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।